हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम पहले बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है उस पर थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, फिर कुछ एलिडो के ट्रेड सेटअप से वो देखेंगे, और जो स्क्वीज का सेटअप है वो अब तक हम क्या है कि डेली में कैसे यूज करना है उसको देखते आए थे, बट आज मैं आपको वो स्क्वीज के सेटअप इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हो एंड विद सम प्राइस एक्शन हाउ यू कैन कैच एक्सप्लोजिव मूव, कुछ प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके इंट्राडे में एक्सप्लोजिव मूव कैसे कैच कर सकते हो, उस पर कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो रेंज है उसके ऊपर क्लोज किया, यहाँ जो हाई था दैट वॉज अराउंड 36,075 के आसपास था, और ये जो गैप है वो गैप अब गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है, और जो लो है दैट इज अराउंड 35,400 के आसपास है, और इंटरमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 36,000 से लेकर 35,800 का जो जोन है अब क्या है कि एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है इंट्राडे में। और आज जो मूव है उसमें देखिए कि काफ़ी वॉल्यूम का एक्सपांसन भी था, RSI जो है वो 60 को क्रॉस कर गई है, दैट मीन्स कि अब बैंक निफ्टी में हमें बाय ऑन डिक्लाइन की अप्रोच रखना चाहिए, बिकॉज अब देखिए यहाँ से ट्रेंड डेवलप होने की भी पॉसिबिलिटीज लग रही है। ये जो दो मूविंग एवरेजेस है दे आर क्लोजली इंटरवाइंड, और यहाँ से ट्रेंड डेवलप होगा तो एक डायरेक्शनल मूव यहाँ से बन सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही है। अब हम यहाँ पर कुछ एलिवेटर के ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं। तो ये SBI मैंने ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम पर भी डिस्कस किया था, टेलीग्राम पर मैं रेगुलर कुछ ना कुछ सेटअप आज बैंक निफ्टी का भी अपडेट दिया था आपको, तो अगर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जो जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो SBI में देखिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये जो टारगेट जोन था 0-3-4 इज सेटअप 1/ एंड हाउ ब्यूटीफुल इट हैज अचीव द टारगेट, ये जो एक्सपेक्टेशन थी दैट वॉज अराउंड 461 और जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी दैट वॉज अराउंड 448। और पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था इस पर, बट उसमें क्या था कि करेक्शन थोड़ा लंबा चला था और स्टॉप लॉस हो गया था, एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, बट इस टाइम दिस पैटर्न हैज वर्कआउट ब्यूटीफुली। फिर एक JK टायर हमने डिस्कस किया था, JK टायर में भी देखिए कि ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी दैट वॉज अराउंड 163 वो टारगेट को उसने यहाँ पर अचीव किया है, 0.5 का लेवल मैंने आपको बताया था, और हाउ ब्यूटीफुली इट हैज अचीव द टारगेट विद इन फ्यू सेशंस ओनली, और 151 के ऊपर एंट्री थी हमारी, तो रिमेंबर उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि 151 के ऊपर ये जाएगा तो हम प्लान करेंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए 151 के ऊपर हमारी एंट्री है, और यहाँ पर ये जो मूव है दैट इज ऑलमोस्ट 14% का मूव है। फिर एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और ग्रेफाइट में अच्छा मूव आ रहा है जिस हिसाब से हमने प्लान किया है, कि यहाँ पर ये लेबलिंग मैंने नहीं किया है, बट आपको मैंने बताया था कि 680 का एक जो हर्डल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज भी देखे कि यहाँ पर एक अच्छा मूव दिया है, 3-4% बढ़ा है, 742 के आसपास का हाई बना है, दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, और ये स्टॉक मेरी प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर किया था मैंने 650 के आसपास, एंड स्टिल वी आर होल्डिंग सम पोजिशन। फिर एक निफ्टी रियलिटी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, यहाँ पर उसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले, बट देखिए कि यहाँ एट दिस पॉइंट वो पूरा ब्लॉग मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर यहाँ पे एक अपडेट भी दिया था कि ये जो लेवल है मेको ब्रेक लेवल है, और इसके ऊपर एक क्लोज दिया तो एक अच्छा मूव हो सकता है, और देखिए कि अभी भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड ये जो लेवल है 400 का वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, दैट इज द पॉइंट। तो निफ्टी रियलिटी इज स्टिल लुकिंग गुड। फिर हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं एलिवेटर का ट्रेड सेटअप दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखें कि ये जो करेक्शन अभी आया है दैट लुक्स लाइक ए जिगजैग करेक्शन, ये जिगजैग का करेक्शन मुझे लग रहा है। यहाँ पर पहले एक 75 मिनट की टाइम फ्रेम में मैंने जो ट्रेड लिया था वो यहाँ पर था, मैंने आपको बताया भी था कि एंडिंग डायगनल है, और ये अब लेबलिंग थोड़ा चेंज हुआ है कि ये मुझे लग रहा है कि दिस वॉज वेव 3, दिस वॉज वेव 4, और जो मैंने ट्रेड लिया था वो क्या हो सकता है कि जो थर्ड वेव था उसका फिफ्थ वेव हो सकता है, और फिर क्या था कि यहाँ पर फिफ्थ वेव बना, और अब जो करेक्शन है दिस करेक्शन इज लुकिंग लाइक जिगजैग पैटर्न। तो हम लेबल करते हैं ए बी एंड सी, ये जो फर्स्ट डिक्लाइन है इट इज इन ए 5 वेव ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर वेव बी का रिट्रेसमेंट ले हम यहाँ पर कि वेव बी कहाँ रिट्रेस हुआ है, तो आप देखिए कि एग्जैक्टली 0.618 के आसपास ये रिट्रेसमेंट आया है, 0.618 के आसपास ये रिट्रेसमेंट है,
पर यहाँ पर वेव सी का हम एक्सटेंशन लेते हैं, वेव सी का एक्सटेंशन कहाँ पर है, जीरो टू ए माइनस सी, यूजली 100% के आसपास आना चाहिए, और देखिए कि थोड़ा एक्सटेंड हुआ है 1.382 के आसपास आया। और वेव सी में भी हम देखें यहाँ पर ये जो डिक्लाइन है वेव सी में, ये वेव बी यहाँ ख़त्म हुआ, वेव सी यहाँ से स्टार्ट होगा, उसमें हम देखें तो ये इम्पल्स मूव होता है, वेव सी इज ऑलवेज इम्पल्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो करेक्शन है वो कम्प्लीट ही हो गया है, साइज एक्शन देख के भी हमें पता चल रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब जो है वो क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एडवांस था पहले 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो सकता है कि एक्सिस बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, ये एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI, अभी मैंने मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स को एक अपडेट भी दिया था, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ बैंकिंग स्पेस में, और आज देखे कि ICICI और SBI ने 52 की हाई बनाया, और एक्सिस बैंक भी बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ पे 4 रुपये का करेक्शन लग रहा है और 5th के लिए जा रहा है डेली का, राइट। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये जो 5th के लिए जा रहा है उसका ये वेव 1 है और ये वेव 2 का करेक्शन हो सकता है। तो ये क्या है कि डेली का वेव 1 बनाए, ये 75 मिनट का लेबलिंग है, मैं 75 मिनट कर लूँगा तो आपको इस तरह से दिखेगा ये। और वेव 1 क्या है कि थोड़ा डल इम्पल्स ही होता है, ऐसी पर्सनालिटी लग रही है, दिस इज द बोरिंग और डल इम्पल्स, और ये सार्प करेक्शन था। तो ये वेव 1 है डेली का, ये वेव 2 है, और हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेते हैं पूरा, ये जो इम्पल्स था यहाँ से उसका रिट्रेसमेंट हम लेते हैं। तो आप देखिए कि 0.5 के पहले ही ये टर्मिनेट हो गया है, 0.3 to 0.5 के बीच में टर्मिनेट हो गया है, और अब यहाँ से क्या है एक नया इम्पल्स स्टार्ट हो सकता है। तो वो पैटर्न का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं खाली आपको बताता हूँ। यहाँ पर 0, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो फर्स्ट 5 वेव एडवांस है दिस इज वेव 1, और जो डिक्लाइन है ABC करके दैट इज वेव 2। तो यहाँ पर मिनिमम हम 100% एक्सटेंशन ले हैं तो 850 के आसपास का टारगेट आ रहा है। नाउ दिस इज योर स्टॉप लो, ये जो लो बना के आया था दैट वॉज अराउंड, ये जो लो था रिसेंटली 707 के आसपास है, मेरे ख्याल से 707 है, तो दिस वुड बी अवर स्टॉप लॉस। और अभी 752 के आसपास है, अवर एक्सपेक्टेशन इज अराउंड 858। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड में फिट हो रहा है तो यू कैन प्लान दिस ट्रेड। फिर एक वेज कॉर्पोरेशन हमने डिस्कस किया था, उसमें मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि जो छोटे पैटर्न है तो वो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो ट्रेड है उसमें जो हमारा 75 मिनट के हिसाब से ये पैटर्न का जो टारगेट है उसको उसने हिट किया है कि 0.5 का जो लेवल था दैट इज अराउंड 912, और जो हाई बनाया दैट इज 926, तो इसमें भी टारगेट अचीव हो गया है। तो हाउ ब्यूटिफुली दिस पैटर्न आर वर्किंग, दैट इज द पॉइंट। चलिए अब हम देखते हैं कि स्क्वीज का जो सेटअप है वो सेटअप को आप इंट्राडे में किस तरह से यूज कर सकते हो और क्या चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये देखिए कि बैंक निफ्टी का एक जो चार्ट था आज वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था। पॉइंट वॉज कि ये यहाँ पर क्या था कि हाई बनाया था पहले और फिर क्या था कंसोलिडेशन चल रहा था, और एक बेसिक प्राइस एक्शन होती है, एक इम्पोर्टेंट पिवोट या तो कोई भी रेजिस्टेंस होता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखना, मैं आपको समझाता हूँ। और उसको स्क्वीज के साथ, ये प्राइस एक्शन को फिर आप क्या है कि स्क्वीज के साथ कंबाइन करोगे तो इट मे हेल्प यू टू कैच एक्सप्लोसिव मूव। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से कोई इम्पोर्टेंट पिवोट लेवल है, दिस कुड बी डे हाई, प्रीवियस डे हाई, राइट, या तो कोई मेजर रेजिस्टेंस है, हम अपसाइड का ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, नीचे की नहीं है, राइट। तो प्राइस जो है एक डायरेक्शनल मूव आता है इस तरह से, और ये रेजिस्टेंस को हिट करती है, फिर क्या है एक करेक्शन आता है। ये जो इचिमुकु का वीडियो था कि हाउ टू ट्रेड निफ्टी फॉर ए लिविंग, उसमें भी मैंने ये बहुत ही डिटेल में प्राइस एक्शन एक्सप्लेन किया कि रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर ऊपर जाने का ट्राई करता है, और फिर यह है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता है और फिर ब्रेकआउट आता है। और यहाँ पर वी विल नॉट वेट फॉर दिस रेजिस्टेंस टू ब्रेक, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे उसकी वेट नहीं करेंगे, यहाँ पर जो लेवल है उसको ब्रेक करेगा तभी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। वो वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो स्विंग लो बनाया फिर ऊपर जाता है और ये स्विंग लो को ब्रेक किए बिना ही ब्रेकआउट आ जाता है, ये जो हाई क्रॉस कर लेता है यहाँ पर, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पैटर्न। और बैंक निफ्टी में देखे कि इसी तरह का था कि आज का जो हाई था दैट वॉज इम्पोर्टेंट पिवोट लेवल, ये आज का हाई बनाया था, दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव, राइट, दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव।
और फिर देखिए कि जो रिट्रेसमेंट आया था कहाँ सपोर्ट लिया, फिर आप देखोगे कहाँ सपोर्ट ले रहा है एग्जैक्टली, ये जो व्हाइट लाइन है दैट इज वी वेब, वी वेब पे ही सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर यहाँ पे देखिए कि 20 EMA के आसपास ही कॉन्सोलिडेशन चला एंड देन बूम। और ये चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और स्क्वीज के साथ उसको कंबाइन करोगे तो आप देखिए कि आपको कॉन्फिडेंस दिया था कि यहाँ पर रेड डॉट था, दैट मींस के दिस वाज अ हाई कंप्रेशन स्क्वीज। आप देख रहे हो यहाँ पर हाई कंप्रेशन स्क्वीज थी, प्राइस ने ये जो व्हाइट लाइन है एग्जैक्ट वीवेब की लाइन है उसी पर सपोर्ट लिया है। तो ये पैटर्न क्या है कि बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। दूसरी एक पैटर्न जो होती है वो किस तरह की होती है, और ये पैटर्न जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। अभी जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया, अभी पहले डिस्कस किया, उससे भी ये स्ट्रॉन्गर पैटर्न है ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि प्राइस जो है क्या होता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है उसको हिट कर दिए और फिर उसी के नीचे यहाँ पर बहुत ही टाइट कॉन्सोलिडेशन चलता है। और ये जो ब्रेकआउट आता है जनरली क्या है तो बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट होता है, यहाँ से जो ब्रेकआउट आता है उसी तरह का चार्ट था, दैट वाज कोटक बैंक, और इसमें मैंने ट्रेड लिया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और मैं आपको सर वही डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले देखिए ये गैप अप था यहाँ पर शायद और ये मूव आया था, तो आज का जो हाई था दैट वाज इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट फॉर अस, राइट। तो ये आज का हाई था, दिस वाज इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, और ये कॉन्सोलिडेशन कहाँ चल रहा था। और जब भी ट्रेंडी मार्केट होता है तो स्टॉक क्या है कि 20 EMA, ये जो पिंक लाइन है दैट इज 20 EMA, 20 EMA पर ही सपोर्ट लेंगे। मैं आपको बताता हूँ बाद में, उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। बट इंट्राडे में देखिए 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर डे हाई बनाया, फिर क्या था कि कॉन्सोलिडेशन कहाँ चल रहा था एग्जैक्टली, वो जो डे हाई है उसी के नीचे और 20 EMA पे ही सपोर्ट ले रहा था और ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, उसको ट्रेड किया था और विद इन नो टाइम देयर वाज अ स्ट्रांग मूव। एक मैंने 1729 के आसपास ही एंट्री प्लान की थी और आप देखिए 20 या 30 रुपये का एक अच्छा मूव था यहाँ पर, लास्ट में उसने जो हाई बनाया दैट वाज 175। ये कुछ प्राइस एक्शन आप ध्यान में रख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो इट शुड बी एन ATR मूवर। एक ATR का मूव ऑलरेडी आ गया हो तो फिर क्या है कि ब्रेकआउट इस तरह का सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। ATR क्या है वो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि ATR इज अ टूल है जिससे क्या है कि लास्ट 14 पीरियड ATR भी यूज के 14 डेज की एवरेज है, उसके हिसाब से एक दिन में स्टॉक की क्या मूव हो सकती है। डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप गूगल करके उसको देख सकते हो। यहाँ पर मैं ATR लगता हूँ, इंडिकेटर ऐड कर रहे ATR, इस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हो। ये बैंक निफ्टी में देखिए कि ATR क्या था, यहाँ पर वैल्यू दिखाएगी, मैं यहाँ कर सर रखूँगा तो आपको वैल्यू यहाँ दिखाएगी, राइट। तो ATR बैंक निफ्टी का जो था दैट वाज 509, आप देखें कि यहाँ पर देखेगी वैल्यू, राइट। तो आज का जो बैंक निफ्टी का ATR है दैट इज 500 पॉइंट के आसपास का था, तो ऑलरेडी 500 पॉइंट के ऊपर ही था तो उसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया। अब हम देखते हैं कोटक बैंक का ATR क्या था। कोटक बैंक का हम ATR देखते हैं यहाँ पर, आप यहाँ कर सर रखेंगे आपको देखो यहाँ पता चलेगा कि एट दिस पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड में आप देख पाओगे 36 रुपीज, कोटक बैंक का ATR है 36 रुपीज। तो आज कहाँ था, मतलब पहले हम देखें यहाँ पर 36 रुपीज का मूव कब कंप्लीट कर लिया, तो लास्ट क्लोजिंग वो 1685, तो उसमें हम 35 ऐड करें तो कितना होता है 1720 के आसपास होगा। तो 1720 को जब भी क्रॉस किया दैट मीन्स के एक ATR का मूव उसमें ऑलरेडी आ गया है। और जनरली क्या होता है कि एक ATR का मूव देने के बाद स्टॉक फिर गया कि इंट्राडे में 1.5 ATR या तो 2 ATR का मूव देने का ट्राई करते हैं, और बैंक निफ्टी में 2 ATR का मूव था। नॉर्मली क्या है कि 500 पॉइंट ही मूव एवरेज, सॉरी नॉर्मली 500 पॉइंट का मूव होता है, राइट। बट आज कितना मूव हुआ 1000 पॉइंट का, दैट मीन्स 2 ATR का मूव दिया। सिमिलरली कोटक बैंक का ATR क्या है 35, तो ऑलमोस्ट आप देखिए कोटक बैंक कितने रुपए बढ़ा है यहाँ पर आप देखोगे तो 64 रुपीज का उसमें मूव है यहाँ पर हमें दिखाएगा डेली चार्ट में। सॉरी ये डेली चार्ट में आप देखोगे 64 रुपीज का मूव है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 ATR का मूव है, राइट। कभी कभी 1.5 ATR का मूव भी आता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हो जब भी इंट्राडे प्लान कर रहे हो, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो उसमें प्राइस एक्शन प्लस स्क्वीज और ATR, जिससे क्या है कि जो ब्रेकआउट आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ऐसे सेटअप में क्या है एक अच्छा एक्सप्लोजिव मूव आता है और उसको साइज में काम करके आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है
that might help you in your trading. Thank you.